जहन को झकझोरते, कभी दिल दुखाते तो कभी मुझको अंदर से तोड़ते। मां, सवाल पहला कुछ ऐसा है, मेरा लड़का होना क्या सच में अच्छा है? क्या मेरा लड़का होना इस दुनिया को जचता है? मां, जब मैं किसी लड़की को देखता हूं तो वो गलत क्यों समझती है? वो क्यों समझती है कि मैं गलत हूं? कुछ लोगों की गलती होगी, पर मैं तो सबसे अलग हूं। ताड़ता नहीं मैं, बस नजर पड़ जाती है और मिनट से पहले मेरी इज्जत उतर जाती है। मिनट से पहले मैं हौसी दरिंदा बन जाता हूं, बिना कोई गलती के मैं गलती का नुमाइंदा बन जाता हूं। मां, हां मैं मर्द हूं, पर मुझे दर्द होता है। मुझे दर्द होता है जब कोई बच्ची किसी हवस का शिकार बनती है। मुझे दर्द होता है जब किसी लड़की किसी औरत की आबरू सरेआम नीलाम होती है। लेकिन कुछ चंद तुच्छ और घिनौने लोगों की हरकत की सजा हमारी पूरी कौम पर क्यों? मेरी सहकर्मी है, मेरी दोस्त है, मेरी प्रेमिका है, मेरी बहन भी है, इज्जत से भी ज्यादा इज्जत करता हूं। गलत तो दूर, तिनके की गलत नजर से नहीं देखा, उनको अलग सा नहीं हमेशा अपनों सा देखा। मां, कुछ सवाल है मेरे जहन को झकझोरते हैं, कभी दिल दुखाते तो कभी मुझे अंदर से तोड़ते। मां, बात दूसरी कुछ ऐसी है, मैं काला हूं क्या ये मेरी गलती है? क्या सफलता के लिए रंग जरूरी है? क्या गोरे रंग के बिना प्रतिभा अधूरी है? बचपन में जब आपसे पूछा तो आप भी यही कहते थे, अरे तू खाना है मेरा, क्योंकि आप भी रंगों के भेदभाव से डरते। मां, क्यों फेयर एंड हैंडसम होना जरूरी है? क्या डार्क एंड टैलेंटेड होना मजबूरी है? क्यों रंगों की वजह से लोग मुझ पे शक करते हैं? काला हूं तो लोग क्यों मुझसे दूर भगते हैं? गोरे गेहुए रंग वालों के कोई उपनाम नहीं होते तो लोग मुझे क्यों कल्लू कालिया कहते हैं? मां, मुझे पता है तूने भेदभाव नहीं किया, तूने मुझे बेटे से बढ़कर भी प्यार किया, तू तो आज भी मुझे बॉलीवुड का हीरो बोलती है, तो ये दुनिया क्यों मुझे रंगों में तौलती? अरे राम काले, कृष्ण काले, काले भोले शंकर, तो क्यों ये जमाना देखता है मुझे अलग हटकर? मां, बाहर से दिखता काला, अंदर से मैं जीनत हूं, खुशियां खरीदनी हैं, बोलो क्या कीमत दूं? क्यों इस प्रजा में सारे गोरे हैं राजा और मैं उनकी प्रजा के लिए दीमक हूं? मां, कुछ सवाल हैं जो मेरे जहन को झकझोरते हैं, कभी दिल दुखाते तो कभी मुझे अंदर से तोड़ते। मां, मैं एक सैनिक हूं, इस देश की रक्षा करता। मां, मैं किसी बेवकूफ की खींची लकीर की वजह से खुद से ही लड़ता हूं। मां, यहां चारों तरफ धुएं की चादर बिछी हुई, और जब ये चादर हटी तो मुझे नजर आया कि मैंने सबको मार दिया और मेडल जीत गए हम। लेकिन मां, मुझे मेरा दिल इस जीत का एहसास क्यों नहीं देता? मां, उस 4 साल की बच्ची से मेरे देश को क्या खतरा था? मां, मैंने उसको मार दिया क्योंकि सरहद पार उसका घर था, चीख रही थी वो, उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है और मेरे इंसानियत को ललकार रही है और कह रही है कि तुम में और इनमें क्या फर्क है? क्या युद्ध ही इंसानियत की शर्त है? कि तुम में और इनमें क्या फर्क है? क्या युद्ध ही शांति की शर्त है? क्या खून और लाशों पे खड़ा होना हर्यावर्त है? मां, सियासत गर्द के चक्कर में क्यों इंसान पिसते हैं? मां, देश की रक्षा करते हुए क्यों इंसानियत का घला घोटते हैं? मां, क्यों होती हैं लड़ाइयां? क्यों, आखिर क्यों इंसान को बचाने के लिए इंसान ही मरते हैं? मां, यही कुछ सवाल हैं मेरे जहन को झकझोरते हैं, कभी दिल दुखाते तो कभी मुझे अंदर। बहुत बहुत